नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया, तो इस पूरे मामले में ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़े और राजभर ने कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दिया है। उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा पर रोक के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के यूपी में कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर स्वतः संज्ञान लेने से नई चुनौतियां सामने दिख रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड क्लियर है कि कांवड़ यात्रा आस्था का मामला है और इस पर खुद रोक नहीं लगाएंगे। अगर कोर्ट का आदेश आता है तो उसका अनुपालन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मसले पर उत्तराखंड के सीएम से जल्द ही वार्ता कर सकते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। यूपी की राजनीति में बड़े बयानवीर और अक्सर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर भला कांवड़ यात्रा के विवाद से कैसे पीछे रह सकते थे, तो ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर निशाना तो साधा ही, साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कांवड़ यात्रा में 10 से 15 साल के बच्चों को गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। भाजपा को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से मतलब नहीं, इससे ध्यान हटाने के लिए कांवड़ यात्रा स्कीम चलाते हैं। ये काम योगी जी करते हैं। कांवड़ यात्रा होगी, शराब के ठेके खुले रहेंगे, भाजपा के दफ्तर और इनके काम चलेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद हैं। राजभर यहीं नहीं रुके, एक के बाद एक विवादित बयान कांवड़ यात्रा को लेकर देते चले गए। गरीब के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए कांवड़ यात्रा चलाते हैं। कांवड़ यात्रा से कोई इंजीनियर, दरोगा, आईएएस, पीसीएस नहीं बन सकता। कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करने की जगह वो पैसा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। पिछली सरकार ने कुंभ पर 900 करोड़ खर्च किया, इन्होंने 4600 करोड़, अगर 900 से बढ़ाकर 1500 2000 करोड़ खर्च कर देते तो बाकी 2600 करोड़ शिक्षा पर खर्च करते, लेकिन इनकी ऐसी मंशा नहीं। वहीं यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना अलग विषय है, उनके निर्णय गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। सरकार ने हर साल जैसे यात्रा होती है उसे देखते हुए फैसला लिया है। इसमें शामिल होने वाले की आरटीपीसीआर या एंटीजन जांच होगी। उस रूट के सभी पीएचसी और अन्य सेंटर को तैयार रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये आस्था का प्रश्न है, अपनी तरफ से यात्रा नहीं रोकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुख्यमंत्री बाहर चले गए हैं, पीएम के कार्यक्रम में वापस आएंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सहमति बनती है तो ठीक, नहीं तो यहाँ जितना है वो तो चलेगा ही। बता दें कि मंगलवार को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इसमें जगह जगह भीड़ उमड़ने की आशंका रहती है। दोनों राज्यों में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड से कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हम खुद यात्रा पर रोक नहीं लगाएंगे, कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसे मानेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी